अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ रेड वेलवेट कपकेक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। रेड वेलवेट कपकेक को हम फ्रॉस्टिंग करेंगे क्रीम चीज़ के साथ और थोड़े से डिफरेंट वे में इसकी फ्रॉस्टिंग हम बनाएंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कपकेक से बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा लेंगे। 1 कप एंड 1/3 कप मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को पहले हमें स्टेन करना है। 1 एंड 1/3 कप मैंने मैदा लिया है। 4 टीस्पून यहाँ पे मैंने कोको पाउडर यूज़ किया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर मैं 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून तो उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से एक दफ़ा से स्टेन कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। यूजुअली कोको पाउडर में अक्सर लम्स होते हैं, इसलिए इनको स्टेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि बैटर जो है वो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा रेडी हो सके। इस तरीके से सब चीज़ों को मैंने स्टेन कर लिया है। अभी इसी मिक्सचर के अंदर मैं शुगर ऐड करूंगी। 1 कप शुगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन शुगर मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, आप भी पाउडर फॉर्म में शुगर यूज़ कीजिएगा। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें रेडी करना है इसके लिए बटर मिल्क। तो बटर मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लिया है, उसमें हम 1 कप मिल्क यूज़ कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं विनेगर डालूंगी और एक दफ़ा हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देंगे। 5 मिनट के बाद बटर मिल्क जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1 टीस्पून फूड कलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लिक्विड फूड कलर जेल फॉर्म में या पेस्ट में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, जितनी कलर की रिक्वायरमेंट है आप उतना कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने बैटर लिक्विड बैटर बनाया है उसको हम अपने मैदे में ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर कलर देख सकते हैं कि आपको कितना डार्क कलर चाहिए। मेरे हिसाब से कलर काफ़ी है तो हम इसमें और कलर ऐड नहीं करेंगे। बैटर हमारा रेडी है, लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पर हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। विनेगर को ऐड करने के बाद आप बस इसे मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसे मोल्ड्स में डाल देंगे बेक करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक कपकेक डिश ली है, इसमें मैंने लाइनर्स लगा लिए हैं और इसमें हम कपकेक का बैटर जो है वो डालते जाएंगे। लाइनर्स को फुल नहीं कवर करेंगे, 3/4 रखेंगे क्योंकि ये राइस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ऊपर तक राइस कर जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे जो लाइनर्स हैं उनको बैटर के साथ फिल कर लूँगी और हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। 180 डिग्री सेल्सियस पर मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है 15 मिनट पहले से, तो इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे ऑलमोस्ट 15 to 18 मिनट्स के लिए। और जैसे ही 15 मिनट होंगे तो उसके बाद हम इसको चेक करते जाएंगे कि ये अच्छे से जो है वो हमारे रेडी हो जाए। अब जब तक कपकेक बेक हो रहे हैं तो यहाँ पर हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्रीम चीज़ ली है, मैंने ट्रायंगल क्रीम चीज़ ली है। आप चाहें तो थोड़ी क्रीमी आती है, आप वो वाली स्प्रेडेबल भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर क्रीम चीज़ यूज़ की है। उसको पहले हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ जो कि नॉर्मली व्हिपिंग क्रीम होती है, वो क्रीम हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3/4 कप और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी हम शुगर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पता है व्हिपिंग क्रीम में मोस्टली शुगर होती है, तो उतनी शुगर जो है वो इनफ है इसके लिए।
बस हम इसे अच्छी तरह से बीट करते जाएंगे कि इसकी बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी बन जाए जो पाइप करने के लिए हमें इजी हो सके। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट ले लेगी बीटिंग होने के लिए, क्योंकि क्रीम जो है वो काफ़ी थिन होती है। तो जब हम इसे बीट करते हैं तो स्लोली स्लोली ये बहुत अच्छी सी थिक फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये विप होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, तो थोड़ा सा हम इसे और बीट करेंगे। कभी भी क्रीम को ओवर बीट नहीं करें, क्योंकि अदरवाइज़ ये होता है कि जब हम क्रीम को ओवर बीट कर लेते हैं तो वो एक बटर की फॉर्म में आना शुरू हो जाती है और क्रीम हमारी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। अब ये बिल्कुल ठीक है, इसके स्टिफ पीक्स बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ कपकेक्स भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। स्क्रूअर इंसर्ट करें और देखें, ये बिल्कुल क्लीन है। तो हम इसे ठंडा करेंगे कम से कम तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक ये प्रॉपरली अच्छे से कूल डाउन नहीं हो जाते तब तक इसकी फ्रॉस्टिंग नहीं कर सकते हम। जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं तो इसके ऊपर आप फ्रॉस्टिंग करें। कोई भी डिज़ाइन जो आपको पसंद हो, रोज़ेस बनाएं या जो भी आपको पसंद हो, उस डिज़ाइन में आप इसकी फ्रॉस्टिंग कर लें। इस तरीके से मैंने सारे कपकेक की फ्रॉस्टिंग कर ली है। ऊपर से मैं थोड़े से स्प्रिंकल्स इसमें ऐड कर रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी ऐड करना चाहें डेकोरेशन के लिए। यहाँ पर मैं थोड़े से डेकोरेशन के लिए इसमें हार्ट यूज़ करूँगी, जो कि चॉकलेट से मैंने बना के रखे हुए हैं। तो देखें व्यूवर्स, हमारे रेड वेलवेट कपकेक विद क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत अच्छा टेस्ट इसका बनता है और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और इसकी फ्रॉस्टिंग जो है वो आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा जैसे मैंने आपको बनाना बताई है फ्रेश क्रीम के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत सॉफ्ट फ्रॉस्टिंग बनती है। तो आई होप सो कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और अपने बच्चों को बना के ज़रूर दें, वो बहुत इन्जॉय करेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Thank you.